वेलकम टू एग्जाम विवेजना तो दोस्तों जैसा कि आपको अवगत हो ही गया होगा कि आपकी एन टी नेट हिंदी की परीक्षा की डेट आ चुकी है और ये होगा आपका 26 दिसंबर को इसी के मद्देनज़र कुछ एक वीडियो ले आपके समक्ष ले आऊँगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये सभी जितने भी वीडियो होंगी एन टी नेट के न्यू पाठ्यक्रम से संबंधित होंगी ठीक है ना इसी को ध्यान में रखकर ये वीडियोज़ मैं आपके समक्ष लाया हूँ ये सिर्फ एंटी नेट तक ही सीमित नहीं होगी अगर आप बात करें सेट की पी जी टी हिंदी की या कॉलेज लेक्चरार इन सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी तो इसलिए आप इन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है तो वो कुछ इस प्रकार से है आंगन के पारद्वार के लिए आज्ञे को कौन सा पुरस्कार दिया गया था तो जो आंगन के पारद्वार के लिए आज्ञा को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार ठीक है यहाँ से दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि आंगन के पार द्वार को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था तो ये दिया गया था उन्नीस में ठीक है और ये भी प्रश्न बन सकता है कि आंगन के पार द्वार का प्रकाशन अज्ञे जी द्वारा कब किया गया था तो ये किया गया था उन्नीस में और ये भी प्रश्न बन सकता है कि आंगन के पार द्वार किसका काव्य संग्रह है तो ये अज्ञे जी का काव्य संग्रह हो जाएगा इसको याद रखिएगा महत्वपूर्ण है ये अगला प्रश्न है आंगन के पारद्वार को अज्ञे ने तीन भागों में विभाजित किया था सीधा सा प्रश्न बनेगा कि अज्ञे के द्वारा आंगन के पारद्वार को कितने भागों में विभाजित किया गया था तीन भागों में और इसके तीन भाग कौन कौन से हैं सलीला चक्रांतशिला और असाध्य बीणा ये तीन इसके भाग हैं तीसरा जो भाग है महत्वपूर्ण है ये तीसरा है असाध्य बीणा आगे है महत्वपूर्ण पॉइंट कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे को उन्नीस सौ में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था याद रखिएगा कब दिया गया था कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में दिया गया था आगे है हरी घास पर भर इनकी प्रौढ़ रचना है तो जो ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो अज्ञा जी की रचना का नाम बताइए तो अज्ञा जी की रचना थी हरी घास पर क्षण भर आगे है असाध्य बीना कविता जैन बुद्धिज्म पर आधारित है तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो असाध्य बीना कविता थी इस पर किस धर्म का प्रभाव लक्षित होता है तो यह होता है जैन बुद्धिज्म का प्रभाव अगला पॉइंट है गोदान को किसने ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है तो जो गोदान था इसे डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है इसके पश्चात पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान का नाम बताइए तो जो पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक मानते हैं उनमें है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु इत्यादि ठीक है और जो ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक कौन मानते हैं तो इनमें जो प्रमुख नाम होगा तो वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ठीक है इसके पश्चात अगर पूछा जाए कि अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है पृथ्वीराज रासो को तो अर्ध अर्धप्रामाणिक मानते हैं आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अगला प्रश्न है पृथ्वीराज राष्ट्रों में कितने समय हैं तो जो पृथ्वीराज रासो है इसमें समय की संख्या है सिक्सटी नाइन समय बोल सकते हैं या सर्ग बोल सकते हैं और जो इसमें छंदों की संख्या कही जाती है तो वो है सिक्सटी एट आगे है पृथ्वीराज रासों के लिए यह कथन किसका है तो कथन इस प्रकार से है यह एक राजनीतिक महाकाव्य है दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी क्या कथन है दोस्तों यह एक राजनीतिक महाकाव्य है दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी तो ये कथन हो जाएगा पृथ्वीराज रासो के लिए डॉक्टर बच्चन सिंह का आगे है रासों में पहुपंग नाम किसके लिए प्रचलित है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों ये तो जो रासो में पहुपंग नाम प्रचलित है ये जयचंद के लिए होगा आगे है चंद कवि को किस छंद का विशेषज्ञ माना जाता है तो यहाँ पर चंद कवि से अभिप्राय होगा चंद प्रदाई से ठीक है ना चंद प्रदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है तो इसे आप याद रखिएगा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर नागमती का बिरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय वस्तु है तो ये कथन किसका होगा नागमती के लिए तो जो ये नागमती का बिरह वर्णन ये हिंदी साहित्य में अद्वितीय वस्तु होगा तो ये कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इसके पश्चात है घास पागल घास पागल शार और प्रल्लास पागल तो ये किस कविता की पंक्तियाँ होंगी तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हो जाएंगी आपकी सतपुड़ा के जंगल की पंक्तियाँ आगे है सतपुड़ा के जंगल कविता में डैश का भी उल्लेख मिलता है तो बताना है सतपुड़ा के जंगल में किस उत्सव का वर्णन किया गया है तो ये किया गया है होली उत्सव का वर्णन इस तरह के पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि पिछली बार परीक्षा में इस तरह के ही पॉइंट पूछे गए थे मैं बताऊंगा कि कौन सा वो पॉइंट था जो पिछली बार इस कविता से पूछा हुआ था आगे है सतपुड़ा के जंगल में गौर जनजाति का वर्णन है अगर पूछा जाए सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति का वर्णन मिलता है तो ये मिलता है गौर जाति का वर्णन तो देखिए इस प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं जो पिछली बार एंटीट हिंदी की परीक्षा हुई थी तो उसमें तो तो ये पालते थे आपके मुर्गे और तीतर को चार तीतर थे चार मुर्गे ये देखिए पंक्ति को पढ़ लेता हूँ इस प्रकार से है इन बड़ों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर सतपुड़ा के जंगल की पंक्ति है ये इसे भी याद रखिएगा आगे है जब भवानी प्रसाद मिश्र सतपुड़ा के जंगल पढ़ते थे तब मेरा बचपन जागृत हो उठता था किसका कथन होगा ये तो यह हो जाएगा श्रीकांत वर्मा का कथन जो श्रीकांत वर्मा थे ये भवानी प्रसाद मिश्र से काफी प्रभावित थे और अक्सर इनकी कविताएं सुनते रहते थे आगे है धूमिल की किस कविता में गांधी शब्द नेहरू परिवार के प्रशासन को प्रदर्शित करता है तो ये कविता हो जाएगी अकाल दर्शन तो जो अकाल दर्शन है धूमिल की कविता इसमें गांधी शब्द नेहरू परिवार के प्रशासन को प्रदर्शित करता है तो जो धूमिल थे काफी अच्छे और स्पष्ट कवि थे किसी बात को छुपा कर नहीं कहते थे इनकी कविता अगर आपने पढ़ी होगी तो काफी स्पष्ट तक कहने वाले थे जिस प्रकार कवीर है उसी तरह का आप धूमिल को कह सकते हैं अगला पॉइंट है नागार्जुन ने दीपक मासिक पत्रिका का संपादन किया था तो प्रश्न बन सकता है कि जो नागार्जुन थे इनके द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था तो यह किया गया था दीपक पत्रिका का और यह किस प्रकार की पत्रिका थी यह मासिक पत्रिका थी अगला है यहाँ पर, के जंगल, किस काव्य संग्रह में संकलित है तो यह गीत फ्रोश में संकलित है जो भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फ्रोश काव्य संग्रह है उसी में इसे संकलित किया गया है अगला पॉइंट है यहां पर काली लहर वाला मथित उथित जहर वाला ये काव्य पंक्ति किस कविता की है तो ये काव्य पंक्ति हो जाएगी सतपुड़ा के जंगल की